अभी तक की जो भी खबरें नोकिया 8 से रिलेटेड आ रही थी वो सारी की सारी फेक बताई जा रही है। सैमसंग गैलेक्सी S8 का एक ऑफिशियल प्रोमो जो वो लीक होके आ चुका है। नोकिया अपना एक फोल्डेबल स्मार्टफोन जो वो 2017 के अंदर लॉन्च करने वाला है। और फाइनली स्वाइप ने अपना एक बजट फोन जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज रुहेश एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर डेली टेक न्यूज। तो पहली खबर मैं आप लोगों को बता रहे थे कि रिसेंटली हमें पता है कि नोकिया 6 लॉन्च हुआ, उसके बाद नोकिया 8 के रूमर्स आना शुरू हो गए थे और इसमें रूमर ये आ रही थी कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 835 का प्रोसेसर होगा, 6GB की रैम होगी और काफी सारे डिटेल्स आ रहे थे कि नोकिया 8 एक फ्लैगशिप फोन होगा जो नोकिया MWC 2017 के अंदर जो वो लॉन्च करने वाला है। अब यहाँ पे क्वालकॉम ने जो वो ये रूमर्स को जो वो कहा है कि ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि नोकिया 8 के रूमर्स कहाँ से शुरू हुई थी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्वालकॉम बूथ जहाँ पे हमें पता है कि स्नैपड्रैगन 835 अनवील्ड किया था CES 2017 में, क्वालकॉम ने वहाँ पे रेफरेंस डिवाइस जिसके अंदर उन्होंने स्नैपड्रैगन 835 दिखाया था, वो रेफरेंस डिवाइस को लीकर्स ने बताया था कि ये जो वो नोकिया का 8 है। वहां से धीरे धीरे रूमर्स आना शुरू हुए कि जो वो फोन है वो नोकिया 8 है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 835 देखा गया है। क्वालकॉम ने यहाँ पे एक लेटर में बता दिया कि ये जो फोन है ये नोकिया 8 नहीं है, ये खबरें बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, वो हमारा रेफरेंस डिवाइस है, हम उसकी डिटेल्स नहीं देते कि वो फोन कौन सा है, वो हम सिर्फ ऐसी डेमो के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे नोकिया 8 की जो खबरें आ रही थी कि स्नैपड्रैगन 835 के साथ जो फोन वो आ रहा है, कुछ इमेजेस भी लीक हुई थी, वो नोकिया 8 वो नहीं है जो हमें सोच रहे जो स्नैपड्रैगन 835 के प्रोसेसर के साथ में आएगा, बल्कि नोकिया 8 कुछ दूसरा फोन है जो आने ही वाला है जिसकी न्यूज तो कंफर्म है। अब देखते हैं कि MWC 2017 के अंदर अब जो फरवरी 26 को आने वाला है एक्चुअली में नोकिया 8 की स्पेसिफिकेशन जो वो क्या होती है। साथ में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर जो वो नोकिया की तरफ से आ रही है और बताया जा रहा है कि नोकिया हमें जैसे कि पता है कि साल की एंड में हमें 7 नोकिया के फोन जो वो देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके अंदर से एक फोन ऐसा भी होगा जो नोकिया अपना फोल्डेबल स्मार्टफोन भी जो वो लॉन्च करने वाला। जी हाँ, आप लोगों को बता रहे तो कि US पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस में नोकिया ने ये पेटेंट फील्ड किया था जहां पे वो 2013 में किया था। ये जो फील्ड आप जैसे कि इमेजेस देखेंगे फोल्डेबल स्मार्टफोन के लिए नोकिया ने ये जो वो पेटेंट बनाया था। अब यहाँ पे ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है आप देखेंगे इसको हम फोल्ड करके जेब में रख सकते हैं, इसको ओपन करेंगे तो उसकी स्क्रीन की साइज 6-7 इंच हो जाएगी और जब आप इसको बंद करेंगे तो आपको कुछ 3-4 इंच के अंदर आप उसको जो वो कर सकते हैं और अपनी जेब में लेके जा सकते हैं। तो नोकिया ये जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है सैमसंग और LG के जो फोन आने वाले हैं, LG का तो ऑलरेडी आ चुका है, सैमसंग का जो फोन आने वाला 2017 में उसको टक्कर दे सकता है। जी हाँ, तो नोकिया एक फोल्डेबल स्मार्टफोन भी लाने वाला है जो यहाँ पे कंफर्म होकर आया है। 2017 के एंड में हमें कुछ इस टाइप के नोकिया के फोन भी देखने को मिल सकते हैं। तो जियो की तरफ से खबर आ रही है और आप लोगों को बता रहे तो कि जियो ने अभी रिसेंटली 30,000 करोड़ रुपए और जो वो इन्वेस्ट किया था अपनी कवरेज को एक्सपांड करने के लिए और नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, हमें जैसे कि पता है कि जियो के टावर्स अब भी जो वो सफिशिएंट नहीं है, काफी सारी जगहों पे अब भी लोगों को कॉल करने में प्रॉब्लम आ रहा है और इनकी नेटवर्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जियो ने और 30,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया जहां पे वो और नए नए टावर्स लगाएगा और कुछ नीचे चीजों के अंदर जो वो इंप्रूवमेंट करेगा। तो अब तक जियो ने इतने खर्चे किया है, ये खर्चा मिला के 1,90,000 करोड़ का जियो ने अब तक का जो इन्वेस्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि हमें पता है कि जियो के अभी दिसंबर के एंड में 72.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, सिर्फ उनको 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स और जमा करने हैं और 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे पता नहीं ये टारगेट जियो क्यों लेके बैठा है, क्योंकि फिर भी अब भी कस्टमर सर्विस में लोगों को इश्यू आ रही है, नेटवर्क में इश्यू आ रही है। अब देखते हैं कि 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स करने के पूरे बाद देखते हैं कि जियो हमें क्या नई सर्विस देता है, ये तो उसके बाद ही हमें पता चलेगा। तो मोटो G5 और मोटो G5 प्लस MWC 2017 के अंदर लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे मोटोरोला ने अपना एक पोस्टर रिलीज किया है। आप जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर लिखा हुआ है हेलो मोटो, यानी कि मोटो जी के नए फोन हमें देखने को मिलेंगे जो कि रूमर्ड है G5 और G5 प्लस जो वो हो सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियसली मैंने आप लोगों को बताया था कि रोमानियन मार्केट में मोटो G5 प्लस जो आ चुके थे, वहाँ पे कुछ हैंड्स ऑन इमेजेस भी आए थे। अब यहाँ पे आप लोगों को स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5.5 इंच की फुल HD इसमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगी और स्नैपड्रैगन 625 का प्रोसेसर हमें इस बार जो मोटोरोला के फोन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें जो दो वेरिएंट आएगा G5 और G5 प्लस, एक के अंदर हमें जो 16GB की स्टोरेज और 3GB रैम और हायर में जो आपको 32GB स्टोरेज और आपको 4GB की रैम देखने को मिलेगी। 16 का रियर कैमरा होगा, 5 का आपको सेल्फी कैमरा होगा और 3080mAh की बैटरी होगी। प्राइसिंग की कोई डिटेल यहां पे अभी सामने नहीं आई है, हमें पता है रोमानियन मार्केट में 20,000 से ज्यादा जो वो इंडियन करेंसी में वहां पे लॉन्च हुआ था। अब देखते हैं कि MWC के अंदर इसकी जो प्राइसिंग क्या होती है। तो नोकिया 6 के बारे में आप लोगों को एक खबर बता देता हूँ कि हमें पता है कि जनवरी 19 को जो वो नोकिया 6 जो वो फ्लैश सेल में जाने वाला है, उसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी तो 24 घंटे के अंदर ही 2.5 लाख से ज्यादा जो वो रजिस्ट्रेशन लोगों ने जो वो कर लिया था। यहाँ पे इसके अंदर कुछ पेड रिजर्वेशन भी था जहाँ पे कुछ 9,200 लोग ने पैसे दिए थे, यानी कि 650 रुपये दिए थे पेड रिजर्वेशन करने के लिए, यानी कि उनको कन्फर्म्ड है कि उनको ये फोन जो वो मिलेगा, उन्होंने पैसे दे के रिजर्व किया था। यहाँ पे अब तक का फिगर जो वो 4,11,470 लोग ने रजिस्टर कर दिए है नोकिया 6 के फोन को खरीदने के लिए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोकिया
नोकिया 6 ने यहाँ पे हमें कुछ नया नहीं दिया है, वही हमें जो रैम है, वही स्टोरेज देखने को मिलती है, वही सेम प्रोसेसर है और वही सेम कैमरा है और वही सेम फोन डिजाइन है। लेकिन नोकिया ब्रांड ऐसा है, मैं जैसे आप लोगों को पहले भी कहा था, लेजेंड है और लेजेंड जो वो गोल्ड होता है। लोगों को बस वो फोन लेना है, देखना है और उसको यूज करना है, तो लोगों को लगेगा कि हाँ हमारी जो क्लासिक यादें थी वो हमारे पास जो वो आ चुकी है। सैमसंग गैलेक्सी S8 की मैं कहूंगा अब तक की सबसे बड़ी लीक जो वो सामने आ चुकी है। सैमसंग के डिस्प्ले की तरफ से सैमसंग के दो प्रोमो जो वो सामने आए थे, यहाँ पे एक प्रोमो तो निकाल दिया गया लेकिन दूसरा प्रोमो अभी भी यहाँ पे जो वो है। यहाँ पे इस प्रोमो से कुछ इमेजेस सामने आई है, जैसे कि आप आपके सामने देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 हो सकता है। प्रीवियसली रूमर था कि हमें होम बटन नहीं देखने को मिलेगा, साथ के अंदर हमें बताया जा रहा है कि डुअल कप डिस्प्ले हो गए, लेकिन यहाँ पे अब कुछ डिफरेंट चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। पहले तो ये बोला जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S8 जो है उसके अंदर फ्लैट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि S8 एज नहीं है, ये Samsung Galaxy S है, जैसे कि S7 था, S7 एज नहीं था, तो यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले वाला Samsung Galaxy S8 जो वो देखने को मिल सकता है, साथ में होम बटन मिसिंग होगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो रूमर आ रहे थे कि Samsung ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर वाले कुछ फंक्शंस लाएगा, तो हमें वो S8 में देखने को मिल सकते हैं, और सुपर एमोलेड का डिस्प्ले होगा जो अभी तक के सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले है, तो Samsung S8 में जो वो देखने को मिल सकता है। तो फाइनल टेक न्यूज़ ले लेते हैं, और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि स्वाइप ने अपना एक बजट फोन जो वो इंडिया के अंदर आज लॉन्च कर दिया है, स्वाइप कनेक्ट ग्रांड के नाम से। आप लोगों को बता रहे थे कि प्रीवियसली स्वाइप ने स्वाइप कनेक्ट 4G फोन लॉन्च किया था 2800 रुपीज में, जिसका मैंने आप लोगों को अनबॉक्सिंग भी किया था, अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पे कार्ड देता हूं, आप जाके देख सकते हैं, चीपेस्ट 4G वोल्टी सपोर्ट फोन इंडिया के अंदर उन्होंने लॉन्च किया था। अब सेम प्राइस में 2800 रुपीज में उन्होंने ग्रांड भी लॉन्च किया, लेकिन कुछ इंप्रूव्ड स्पेसिफिकेशन के साथ में, जहां पे एक डाउन पॉइंट इसकी सबसे बड़ी है कि ये जो फोन है वो 4G नहीं है। अगर 4G होता तो मैं इसका भी रिव्यू करता था, लेकिन क्या करें 4G नहीं तो हम नहीं करेंगे। इसके अंदर इंप्रूवमेंट ये है कि आपको सिर्फ 5 इंच की डिस्प्ले मिलती, प्रीवियसली 4.5 था उसके अंदर, और यहाँ पे आपको 1GB की रैम मिलती, जहां पे प्रीवियसली आपको 512MB की रैम मिलती थी। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको सेम मिलते हैं, मेरे हिसाब से अगर 4G होता तो ये फोन वर्थ होता था। तो आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाऊंगा और ऐसे ही आप लोगों को अपडेटेड करता रहूंगा। आप जरूर से मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए और इसी तरीके से अपना प्यार जो वो देते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।